हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज वाणी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स को जानने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और आपके आने वाले SSC या RRB के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और आज की इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों, यह हाल ही में बनी है और इसका नाम है मैरिट बोयरगेन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला सुपरस्टार के नाम से पहचानी जाने वाली अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, श्रीदेवी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2018 के मुताबिक किस देश के पासपोर्ट विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं? तो दोस्तों, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया के जो पासपोर्ट हैं वो इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला जिम्नास्ट ने हाल ही में जिम्नास्टिक विश्व कप में भारत की ओर से पहली बार पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? दोस्तों, यह जीता है अरुणा रेड्डी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय शहरी आवास कोष NUHF के गठन को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए के जो है यह गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत जो है 81वें स्थान पर है इस रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, सरस क्या है? तो दोस्तों, यह जो है एक स्वदेश निर्मित हल्का यात्री विमान है जो हमारे इंडिया में ही निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन उत्पाद बेचने हेतु खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अमेजन ने जो है भारत की खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी शिशु मृत्यु दर संबंधी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 1,000 बच्चों पर कितने नवजात शिशुओं की मृत्यु हो जाती है? तो दोस्तों, 25.4% बच्चों की मृत्यु हो जाती है प्रति 1,000 पे, 25.4 की। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां महिलाओं की सुरक्षा हेतु शक्ति मोबाइल ऐप सेवा शुरू की गई है? तो दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों, ये भुवनेश्वर कुमार बन गए हैं, इंडिया के हैं। अगला है, जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विलुप्त की कगार पर भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, 42 भाषाएँ ऐसी हैं जो विलुप्त होने वाली हैं, यानी कि जो अब बिल्कुल भी बोली नहीं जाती हैं। चलिए अब जानते हैं अगले प्रश्न को, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी की गई लिंगानुपात से संबंधित रिपोर्ट में भारत के 21 राज्यों में से कितने राज्यों में लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है? तो दोस्तों, 17 राज्यों में जो है लिंगानुपात में जो है गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, वह कंपनी जिसके साथ महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप सेवा हेतु समझौता किया? दोस्तों, वर्जिन ग्रुप के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां पर प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में सबसे अधिक अंतर दर्ज किया गया है? दोस्तों, यह गुजरात में दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा होटल किस शहर में आरंभ हो रहा है? तो दोस्तों, यह दुबई में आरंभ होने जाने वाला है, तो दुबई में आरंभ होगा विश्व का सबसे ऊँचा होटल। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है, भारतीय डाक द्वारा आरंभ किए गए बैंक का क्या नाम है? तो दोस्तों, इस बैंक का नाम है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट है, किन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, यह है कृष्णा सोबती। अगला क्वेश्चन है, वह मुस्लिम बहुल देश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया? तो दोस्तों, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात में जो है नरेंद्र मोदी जी ने कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र की सेवाओं के लिए भारत आने हेतु सबसे अधिक वीज़ा जारी किए गए? तो दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र की सेवाओं के लिए सबसे अधिक वीज़ा जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में मुंबई का क्या स्थान है? तो दोस्तों, 10वां स्थान है मुंबई का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट में भारत को वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर रखा गया है? तो दोस्तों, 8वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय महिला स्काई डाइवर का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में साड़ी पहनकर स्काई डाइविंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, यह है शीतल राणे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय सैन्य टुकड़ी की 7वीं इन्फेंट्री बटालियन को हाल ही में दक्षिणी सूडान में शांति मिशन में भेजा गया है? तो दोस्तों, यह गढ़वाल राइफल्स को भेजा गया है।
जो कि उत्तराखंड की है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस अंग्रेजी लेखक को वर्ष 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो अंग्रेजी लेखक हैं ये हैं ममंग दई, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा मुख्यमंत्री जो है सबसे अमीर है? तो दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जो है सबसे अमीर हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव हेतु आरंभ किए गए अभियान का नाम क्या है? दोस्तों दस्तक अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार एक दिवसीय यानी कि वनडे श्रृंखला जीती है? तो दोस्तों यह है दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2018 में कहाँ पर एलपीजी पंचायत आयोजित की गई? तो दोस्तों यह की गई है राष्ट्रपति भवन में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूची में भारत को दिया गया स्थान कौन सा है? दोस्तों यह 81वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले में किस हीरा व्यापारी का नाम बतौर आरोपी आया है? तो दोस्तों यह है नीरव मोदी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल ही में किस शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई है? तो दोस्तों दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगाई है। अगला क्वेश्चन है, वह मंत्रालय जिसने किशोरियों के लिए द्रुत सूचना प्रणाली की शुरुआत की है? दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोरियों के लिए यह शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह शहर जहां होम्योपैथी शोध संस्थान का शिलान्यास किया गया? दोस्तों यह जयपुर में किया गया है राजस्थान के। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में कावेरी जल विवाद के संबंध में सुनाए गए फैसले में किस राज्य को दिए जाने वाले पानी में कटौती का आदेश दिया गया है? दोस्तों कर्नाटक जो है इस राज्य को दिए जाने वाले पानी में कटौती का आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किन्हें हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्योंकि नेपाल दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है तो इसके प्रधानमंत्री अभी नियुक्त किए गए तो एग्जाम में आ सकता है, तो इसका आंसर है केपी शर्मा ओली। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी क्रिप्टो करेंसी रखने वाले अमीरों की सूची में किन्हें पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों क्रिस लार्सन को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, मीना माता समझौता जो है किस धातु से संबंधित है? दोस्तों यह पारे से संबंधित है, पारे के प्रदूषण को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCE ने हाल ही में सर्च इंजन गूगल पर भारतीय बाजार में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों 136 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है गूगल पर। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों को साइबर क्राइम से दूर रखने के लिए NCERT और गूगल ने हाल ही में कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया? दोस्तों इन्होंने डिजिटल सिटीजनशिप और सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। जानते हैं अगले प्रश्न को, किस देश की कंपनी SpaceX ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? दोस्तों अमेरिका ने लॉन्च किया है और इस रॉकेट का नाम है फाल्कन हैवी, और दोस्तों हमने इससे संबंधी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 7 फरवरी 2018 को भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों यह है नीलम कपूर। अगला है, एथलेटिक विश्व कप की मेजबानी वर्ष 2018 में कौन सा शहर करेगा? दोस्तों लंदन करने वाला है। किस शहर में स्थित नेक नामपुर झील पर भारत का सबसे बड़ा अस्थायी द्वीप बनाया गया है? तो दोस्तों यह हैदराबाद शहर में है यह झील। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जिसने हाल ही में दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए सामूहिक विवाह योजना आरंभ की है? दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अंडर-19 विश्व कप 2018 में भारत ने किस देश को फाइनल में 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को हराया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय कला मेले का उद्घाटन किया है? दोस्तों नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2018 से 19 में घोषित किस योजना के तहत देश के 3 करोड़ सिंचाई पंप और सौर ऊर्जा से लैस किए जाएंगे? दोस्तों यह कुसुम योजना के तहत सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा से लैस किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जानते हैं, किस देश में विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जाएगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाने वाला है, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। अगला है, हाल ही में शुरू हुए भारत इंडोनेशिया सैन्यभ्यास का नाम क्या है? दोस्तों ये हाल ही में शुरू किया गया है और इस सैन्यभ्यास का नाम है गरुड़ शक्ति, जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के सहयोग से किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? दोस्तों यह मिजोरम में किया जाएगा और इजराइल के सहयोग से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में बागोरी गंगाग्राम परियोजना किस राज्य में शुरू की है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में शुरू की है। भारत सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे ई गवर्नेंस पर आधारित 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, स्वदेश निर्मित ड्रोन का नाम क्या है जिसका हाल ही में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया? दोस्तों इसका नाम है रुस्तम 2। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों इस वीडियो को लाइक
इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल नॉलेज वाणी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।